साल 2007 में आई फिल्म धमाल, जिसमें संजय दत्त, अरशद वारसी, रितेश देशमुख जैसे कई बड़े सितारे नजर आए थे। फिल्म की कहानी यह थी कि चार दोस्तों को पता चलता है कि गोवा में एक बड़े डब्ल्यू के नीचे खजाना छुपा हुआ है। उसके बाद वो सभी खजाने की तलाश में जुट जाते हैं और फिल्म हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। बाद में मेकर्स ने इस फिल्म के दो पार्ट्स और रिलीज किए। फिल्म का दूसरा पार्ट डबल धमाल 2011 में और तीसरा पार्ट टोटल धमाल के नाम से 2019 में रिलीज किया गया। फिल्म के तीनों ही पार्ट लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। अब ऐसे में लग रहा है कि धमाल का चौथा पार्ट जल्द ही आने वाला है। फिल्म के एक्टर जावेद ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो बोलते नजर आ रहे हैं कि डब्लू याद है, 17 साल पहले हमने डब्लू के नीचे खजाना मिला था, लेकिन इस बार वो खजाना डब्लू के नीचे नहीं बल्कि एफ के नीचे होगा। और वो फैंस से पूछ रहे हैं कि एफ का मतलब क्या है। फिल्म धमाल 4 की कहानी इसके पहले तीनों पार्टों जैसी होगी, जिसमें वो किसी बड़े पार्क में खजाने को ढूंढते हुए नजर आएंगे। धमाल 3 में अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, संजय मिश्रा और जावेद जाफरी जैसे कलाकार नजर आए थे। फिल्म के तीनों पार्टों की तरह इसके चौथे पार्ट में भी कॉमेडी का भरपूर डोज मिलने वाला है। खजाने को ढूंढने के चक्कर में सभी दोस्तों में लड़ाई होगी और वो एक एक करके खजाना ढूंढने जाएंगे। आपको अभी इस कॉमेडी फिल्म के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा और देखना होगा कि मेकर्स इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक करते हैं। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं धमाल 4 को लेकर, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। बाकी फिल्मों से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।